नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कला संस्कृति का जो वीडियो सीरीज मैंने शुरू किया है, पहले मैंने सोचा था कि इसके दो भाग में मैं इसे कंप्लीट करूँगा, लेकिन उससे फिर वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने इसके और भी पार्ट्स बनाए हैं और सारे डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शंस देना सिर्फ दो पार्ट में पॉसिबल भी नहीं है, तो इसके और अन्य भाग भी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वाद्यंत्र और उनके वादक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्यंत्र है कौन सा है? तो वीणा है। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो हारमोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्यंत्र है? तो बांसुरी। आइए इस बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीणा के बारे में, शांति ज्ञान और संगीत का प्रतीक है। माता सरस्वती और नारद जी का वीणा वादन तो जग प्रसिद्ध है। वीणा के प्रमुख दो प्रकार है, रुद्र वीणा और विचित्र वीणा। इसके अलावा तंजौरी वीणा और गोट्टू वाद्यम की भी बात की जाती है। वीणा मूलतः चार तारों की होती है, लेकिन इसकी शुरुआत में यह एक तार की हुआ करती थी। वीणा से ही सितार, गिटार और बैंजो का आविष्कार हुआ है। प्रसिद्ध वीणा वादक में असद अली खान, असित कुमार बनर्जी, सिद्धार्थ बनर्जी का नाम आता है। अब वीणा को देख सकते हैं। अब लोग हारमोनियम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। हारमोनियम समूह का सबसे पहला बाजा फिस हारमोनिका थी। इसका निर्माण 1818 में वियना में एंटल हिंकल ने किया था। इसे चीन के माउथ ऑर्गन या शेंग से प्रेरणा मिली, जिसे 1970 के दशक में रूस लाया गया था, जिसने यूरोप को मुक्त पत्ती से परिचित कराया और कुछ भौतिक शास्त्रियों एवं संगीतज्ञों में रुचि जगाई। हारमोनियम मुक्त पंक्ति व पक्ति वाला कुंजी फलक वाद्य है, जो हाथ या पैर से संचालित धौंकनी के द्वारा दबाव समकारी वायु भंडार से हवा फेंकता है, जो धातु के खांचों में कसी गई धातु पत्तियों को कंपन देता और वाद्य बजाता है। प्रसिद्ध भारतीय हारमोनियम वादक है अप्पा जलगांवकर, पंडिता रामभाव बीजापुरे, पंडित तुलसीदास बोरकर। हम लोग ट्रम्पेट को देखते हैं। दोस्तों, ट्रम्पेट की संरचना इस प्रकार से होती है, वो एक बिना तार वाला वाद्य यंत्र है। बांसुरी के बारे में जानते हैं कुछ। बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक एरोफोन या बिना नरकट वाला वायु उपकरण है, जो एक छिद्र के पार हवा के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न करता है। हॉर्न बोस्टल सेशस के उपकरण वर्गीकरण के अनुसार बांसुरी को तीव्र आघात एरोफोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के बांसुरी वादक थे, जिनके प्रदर्शन और रचनाओं ने बांसुरी को वैश्विक पहचान दिलाई, जो एक साधारण बांस की बांसुरी है। आप हरिप्रसाद चौरसिया को देख सकते हैं फिगर में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर है संतूर। मृदंगम होता है, क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो इसका सही आंसर है नक्कारा को। हम संतूर के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू और कश्मीर राज्य के एक भारतीय संगीतकार और संतूर वादक है। संतूर मूल रूप से एक लोकवाद्य है, लेकिन उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वादन शैली के माध्यम से यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य बन गया। पंडित रवि कुमार शर्मा को देख सकते हैं, राइट साइड में पहला फिगर है। दोस्तों, मृदंगम के बारे में कुछ जानते हैं। मृदंगम दक्षिणी भारत के कर्नाटक संगीत में बजाया जाने वाला दो सिर वाला एक ढोल है। यह कोनिया बैरल आकार में लकड़ी से बना है, जिसकी रूपरेखा लंबी षष्ठभुज जैसी है। ड्रम के प्रत्येक सिरे के चारों ओर थोंग हुप्स चमड़े की थोंग लेंस लेस और लेस के नीचे फिसले छोटे लकड़ी के डॉवेल त्वचा के तनाव को नियंत्रण करते हैं। उमायलपुरम के शिवरामन प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। आप इसे फिगर में देख सकते हैं, नीचे वाले फिगर में। सितार के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, सितार भारत का खींचा हुआ तार वाला वाद्य है। यह हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में व्यापक सुधार, विस्तृत धुन और जटिल लयबद्ध पैटर्न शामिल है। सितार हिंदुस्तानी संगीत में सबसे अधिक बार बजाया जाने वाला एकल वाद्य यंत्रों में से एक है। गिटार की तरह सितार भी कई तारों वाला एक वाद्य यंत्र है। हालांकि सितार की संरचना में अंतर के कारण इसकी ध्वनि ध्वनिक गिटार की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। सितार नाम फारसी शब्द सेहतर से आया है, जिसका अर्थ है तीन तार वाला। सितार वाद्य यंत्र मध्य एशियाई वाद्य यंत्रों का वंशज है।
जिन्हें सदियों पहले दक्षिण एशिया में लाया गया था। प्रमुख सितार वादक है दोस्तों पंडित रविशंकर, आप राइट साइड में देख सकते हैं, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन और साहिद परवेज। उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो शहनाई को। अमजद अली खान किस संगीत वाद से संबंध है? तो सरोद। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो सितार। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है किसे? नाद स्वरम से। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी के लिए। शहनाई के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। शहनाई एक कंपिका युक्त बांध है, इसमें नलिका के ऊपर 7 छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को उंगलियों से बंद करने और खोलने पर राग बजाया जा सकता है। इस वाद्य यंत्र को मंगलवादी के नाम से जाना जाता है और अक्सर इसे उत्तर भारत में विवाह, मंदिर उत्सवों में आदि के मंगलवार अवसर पर बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शहनाई भारत में पश्चिम एशिया से आई। कुछ अन्य विद्वान भी हैं जो ये मानते हैं कि वाद्य चीन से आया है। इस समय यह वाद्य कार्यक्रमों में बजाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य है। वाद्य ही आवाज सुरीली होती है और यह राग संगीत को बजाने के लिए उपयुक्त है। 10 शताब्दी के सन 50 के दशक के पूर्व भाग में इस वाद्य को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। आज के जाने माने शहनाई वादकों में पंडित अनंत लाल, पंडित दयाशंकर का नाम भी प्रमुख है। आप उस्ताद बिस्मिल्ला खान को देख सकते हैं दोस्तों, वो एक भारत रत्न थे। सरोद। सरोद के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। सरोद ल्यूट परिवार का एक तारयुक्त वाद्य यंत्र है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। वाद्य यंत्र में गहरी भारी ध्वनि होती है जो सहानुभूतिपूर्व तारों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुंजयमान गुणवत्ता के साथ होती है। यह अपनी स्लाइडिंग पिचों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें मिंड या ग्लिसांडो कहा जाता है, जो कई रागों की शुरुआत की विशेषता है। सरोद बजाने वालों को सरोदिया कहा जाता है और सरोद शब्द फारसी में गीत या धुन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान है, आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों। विजी जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो वायलिन। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? वायलिन से। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से? मृदंगम। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन। बाद मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से? वायलिन से। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो अमजद अली खान पखावच, ये सही नहीं है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है? तबला। कुदू सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पखावच से। अरे तबला के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तबला एक वाद्य यंत्र है। आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य की संगति में तबले का प्रयोग होता है। तबले के पूर्व यही स्थान पखावज या मृदंग को प्राप्त था। कुछ दिनों से तबले को स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। तबले को 2 भागों में क्रमशः तबला तथा डग्गा या डुग्गी कहा जाता है। तबला शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। तबले को बजाने के लिए हथेलियों तथा हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तबले द्वारा अनेकों प्रकार के बोल निकाले जाते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक है दोस्तों उस्ताद अल्लाह रखा खान, अहमद जान तिरकवा, उस्ताद जाकिर हुसैन और किशन महाराज। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक? तबला के। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है? सितार को। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है? सितार से। यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे? वायलिन से। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है? सरोद पे। निम्नलिख में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिख में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खान। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मनमोहन भट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? अमजद अली खान। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? गुदई महाराज। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसे बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? तो मनमोहन भट्ट। किस वाद्यंत्र वादक को अपने को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका? बिस्मिल्ला खान। सही सुमेलित कौन? तो अमजद अली खान सरोद से। सही सुमेलित है तो इनमें से सभी, यानी देबू चौधरी सितार के लिए, अमजद अली खान सरोद के लिए, शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए। सही सुमेलित है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए। सुमेलित नहीं है निखिल बनर्जी तो अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सा युगम समूह सत्य नहीं है? तो बिस्मिल्ला खान तबला, ये सत्य नहीं है।
बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो MS सुब्बलक्ष्मी वीणा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो पन्ना लाल घोष तबला संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है दोस्तों, इसमें शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खान, सरोद है अमजद अली खान, तबला अल्लाह रखा और सितार जो है वो रविशंकर, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज जो है वो कथक के हैं, हरिप्रसाद चौरसिया है वो बांसुरी के हैं, अली अकबर खान जो है सरोद के हैं और जाकिर हुसैन जो है वो है तबला के, तो इसमें बी ऑप्शन सही है दोस्तों। सुमेलित करना, उषा उत्थुप जो है दोस्तों वो पॉप संगीत से बिलोंग करती है। नीरू स्वामी पिल्लई ये नाथ स्वरम से, जुबिन मेहता ये हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा से और पालाधार रघु ये मृदंगम से, तो बी ऑप्शन सही है। सुमेलित करना दोस्तों, सूची एक में पंडित रवि कुमार शर्मा है जो कि एक संतूर वादक है, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर वो एक हिंदुस्तानी संगीत से रिलेटेड है, वीवी जो है वो वायलिन वादक है और अली अकबर खान है वो सरोद वादक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? तो अल्लाह रखा खान सरोद वादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो बांसुरी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो प्रोटी एन कृष्णन। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पन्नालाल घोष तबला सुमेलित नहीं है। सूची को सूची दो से सुमेलित करना दोस्तों, तो अमजद अली खान जो है वो सरोद से रिलेटेड है, अल्लाह रखा ये जो अली हुसैन है वो शहनाई से रिलेटेड है, हरिप्रसाद चौरसिया है वो बांसुरी से रिलेटेड है और जो अल्लाह रखा है वो तबला से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बांसुरी MS सुब्बलक्ष्मी। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? संतूर। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजुमदार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? अमीर खुसरो ने। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना दोस्तों, सूची एक में वाद्यंत्र को बजाने वाले हैं और सूची दो में वाद्यंत्र है, तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाने वाले हैं, हरिप्रसाद चौरसिया है वो बांसुरी, ओंकारनाथ ठाकुर जो है वायलिन, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। सूची को सूची दो के साथ सम्मिलित करना दोस्तों, तो बाल मुरली कृष्ण जो है वो वायलिन के हैं, मीता पंडित वो हिंदुस्तानी गायकन से रिलेटेड है, कन्या कुमारी वो घटम से है और निखिल बनर्जी वो सितार से हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है दोस्तों। झाल विनाई दमामा मुरियो क्या है? तो कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्यंत्र बजाने निपुण थे? वायलिन। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है कौन सा? अलेगोजा। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका? वीणा एवं तंबूरे का। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? जाकिर हुसैन हारमोनियम ये सही नहीं है। सूची को सूची दो से सुमेलित करना दोस्तों, तो सूची एक में उस्ताद विलायत खान ये जो है वो सितार से संबंधित है, मास्टर फिदा हुसैन वो संगीत रंगमंच से है, वो सितारा देवी कथक से है और जतिन भट्टाचार्य सरोद से है, तो डी ऑप्शन सही है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है? वो संवादिनी। प्राचीन सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो बांसुरी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो अमजद अली खान। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो सारंगी। अब हम चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, क्या थे? चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? चित्रकला में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने। उस्ताद मंसूर खान किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकाली का स्वर्णकाल कहा जाता? तो जहांगीर। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता? जहांगीर। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? अब्दुल हसन ने। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है उपयुक्त सब यानी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? जैमिनी राय। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार। सुप्रसिद्ध चित्र ठनी बनी किस शैली पर आधारित है? कृष्णगढ़ी शैली पर। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? हिमाचल से।
कांगड़ा चित्रशैली किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? पौराणिक कथाओं तथा रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? प्राकृतिक रचनाओं की। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? पिछवाल चित्रकारी गुजरात से सम्मिलित नहीं है, जबकि मधुबन चित्रकारी बिहार से, फुलकारी चित्रकारी हरियाणा से और कलमकारी कला आंध्र प्रदेश से। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, निम्नलिखित में किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो चित्रकला को आप कांगड़ा चित्रकला इसमें देख सकते हैं दोस्तों। इसमें देवी देवताओं के चित्रांकन को किया गया है। अगला प्रश्न है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रभावशाली प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो नंदलाल बोस। शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? तो अवनी अवनी नंद्रनाथ ठाकुर। एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चित्रित कृति है? तो अमृता शेरगिल। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? सतीश गुजराल। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? राजा रवि वर्मा। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है किसके लिए? चित्रकला के लिए। अमृता शेरगिल किसके रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार के रूप में। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। एम एफ हुसैन है एक क्या है? चित्रकार है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो स्पेनिश थे। तीन संगीतज्ञ, थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो एंजेलो की है। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लियोनार्डो डा विंची। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची ने। विश्वविख्यात चित्रकारी गुरेर निका किसी कृति है? पिकासो की। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? इटली के। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया? चित्रकला। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। किसकी पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? तो एम एफ हुसैन। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो जहांगीर। ठनी बनी बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। चित्रकला की मुगल कला भारत लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। प्रसिद्ध मीनाकारी थेव कला का संबंध है किससे? प्रतापगढ़ से। शरणानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुआ है? चित्रकला। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? एम एफ हुसैन। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो पर्शिया से। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं कहाँ? भगवान कृष्ण के जीवन से। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। मोनालिसा क्या एक चित्र है? मशहूर पेंटिंग हस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गांधार शैली की मूर्तकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या? धर्मचक्र। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुषाण जो है गांधार कला शैली का के चित्र है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किसके रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से? एलोरा। मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारत एवं ग्रीक शैलियों का। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है, सभी को दर्शाती है, यानी विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध और उनका जीवन वृत्त और भगवान महावीर। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्तकाल। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? जातक। कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारत एवं यूनानी। प्रतिमा पारक अभिव्यक्त व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्मस्थान है हंगरी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कल्याणदास। अब हम दोस्तों विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। सिख धर्म के प्रवर्तक है गुरु नानक देव। पारसी धर्म का संस्थापक है ज़ोरोस्टर। सिंतो धर्म के अनुयायियों का धर्म है मिकादो। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंग फूसू। शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना कहाँ की थी? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले एक तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर। बहुत भूमि संबंधित किसे? बौद्ध धर्म से।
लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। बौद्ध धर्म की किसी एक शाखा में मंत्र, हठयोग तथा तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। हीन ज्ञान। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली है? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूपी, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसाओं के 5 अनिर्वाय लक्षण, यानी 5 कक्के किसने निर्धारित किए? गुरु गोविंद सिंह। पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डूबो को करवा दी? गुरु अर्जुन देव। जाति प्रथा तथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास। मखाली पुत्र गोशाल किस धर्म के प्रवर्तक था? तो आजीविका धर्म सर, आजीवक धर्म। लिंगायत धर्म का संस्थापक माने जाते हैं वासव। सिलसिला का संबंधित है किससे? सूफी मत से। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? इस्लाम धर्म से। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता? चैतन्य को। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस ने। जरथुरस्ट धर्म है पारसियों का, जैन जोरास्ट्रियन। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था अवतारवाद। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से। जो यहाँ है वो अन्यंत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया? महाभारत। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया? श्रीमद् भागवत गीता। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था? जैन धर्म का। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस वेद का कुछ अंश गद में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। वेद यात्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? ये ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद। एकमात्र वेद जो गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है ऋग्वेद। अस्तु माँ सद्गमय सुक्ति कहाँ से ली गई? ऋग्वेद से। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें एवं प्रार्थनाएं? यजुर्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल अध्याय है यानी मंडल है 10। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028। अब तो सूची को सूचियों से सुमेलित करना है दोस्तों। तो ऋग्वेद है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, जो यजुर्वेद है वो स्रोत एवं कर्मकांड है यानी बी का 2। सामवेद संगीत में स्रोत है, सी का 1। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, तो डी का 3। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। आयुर्वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है दर्शन शास्त्र। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। प्रमुख उपनिषदों की संख्या है 12। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है जाबलोपनिषद में। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? वृहदारण्यकोपनिषद में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैतरीय उपनिषद में। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जैसे शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? मंडोकोपनिषद से। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्भूत थे? मंडोकोपनिषद से। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है उपयुक्त सभी यानी वेद, रामायण और महाभारत। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवत गीता में है 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण।
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना में। वेदांगों की कुल संख्या है 6। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया था? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवद गीता में। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण में। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? महाभाष्य में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। बौद्धों का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में? सूतपिटक में। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म में एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सूतपिटक को। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है किसमें? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है अभिधम पिटक में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहब। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का उपयोग हुआ है? अभिधम पिटक में। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें और उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है? हदीस में। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जेदावेस्ता। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तोराह। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जन देव। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। पीतक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिएंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंद पन्हों में। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। सुमेलित करना है दोस्तों, तो ऋग्वेद जो है उससे आयुर्वेद निकला है, यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला है, सामवेद से गंधर्व वेद है और अथर्ववेद से शिल्प वेद है। तो डी ऑप्शन सही है। यत्र नायस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवा किस ग्रंथ से उद्गत है? तो मनुस्मृति से। हिंदू धर्मावलंबियों का पुत्र का पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनागॉग। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है विहार। मिलिंद पन्हों क्या है? बौद्ध पाठ है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो उपयुक्त सही है, यानी ईसाई चर्च, यहूदी सिनागॉग, पारसी अग्नि मंदिर। अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसी धर्म का। सिनेगा किसका पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का। सूची को में दी गई धार्मिक पुस्तकों मिलना चाहिए में धर्म से करना है तो कुरान जो दोस्तों है वो इस्लाम, जातक है बाइबिल है वो ईसाई, जातक है वो बौद्ध और गुरुग्रंथ साहिब है सिख। तो डी ऑप्शन सही है। उपनिषद का प्रतिपाद विषय है उपयुक्त सभी, यानी भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है कहाँ? जैन धर्म में। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को। कौन सा ऐसा राज्य जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है? मणिपुर। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? तो इसका सही आंसर है अहिंसा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। स्तूप चैत्य एवं मठ मुख्य रूप से संबंधित है बुद्धवाद से। दक्षिण भारत के मंदिरों में के वृहत द्वारों को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाला सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं सन पूर्व में। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सद्दीक्षा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलहम में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए किया था? बाहुबली के लिए किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और वो कौन था? सिकंदर लोधी। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन युद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है रहा है वो है सांची स्तूप, जबकि सारनाथ बौद्ध गया और कुशीनारा में है। पुराणों की कुल संख्या है 18। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश से। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य
चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले दुख है, फिर दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, तथा दुख निरोध का मार्ग है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा का है? वह है जैन धर्म का। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि। निम्नलिखित युगों में गलत युगों को पहचानी है? तो औलिया मध्य प्रदेश से नहीं थे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में कौन सा चार धाम में सम्मिलित है? मानसरोवर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन स्थल कहाँ स्थित है? स्वर्ण बेलागोला।